There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. We are here today with a very, very exciting episode. Isme action hai. Sir, bhi dukaan bhi girana hai, sir. Ye sir, jo road pe encroachment hai, usi ko girana hai, sir. Comedy hai. Bhool jaiye, main thodi der ke liye patrakar bhi hoon. Woh to hum kab ka bhool gaye, Meesh ji. Back to our show. Isme drama hai. Kya ab court se nahi, bulldozer se hoga pura jurisdiction aur puri judgment? Kya insaaf बुलडोजर करेगी? इसमें डांस है। मैं हूँ आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के उमन से। We'll save the best for the last. Coming back to our episode, हमारे पास इस बार थोड़ा अडल्ट कंटेंट भी है। अरे गुंडे हैं आप! अरे जो कुत्ते कहेंगे! अरे गुंडे हैं आप! कुत्ते कहेंगे! अरे गुंडे हैं आप! कुत्ता! एक मिनट ऐसे नहीं, इस तरह की भाषा के लिए गलत है। एक मिनट। I mean, come on यार, ऐसी लैंग्वेज अपने बच्चों को न्यूज के नाम पे सुनाने से अच्छा न्यूज को अडल्ट रेटिंग दे देनी चाहिए। कमिंग बैक टू आवर शो, इसमें अंजना ओम कश्यप की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। मैडम प्लीज। क्या झुग्गी झुग्गी पे भी चलाओगे आप लोग? मैडम थोड़ा सा अभी गाड़ी ट्रेन पीछे चल रही है, थोड़ा सा पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। Riots broke out in northeast Delhi on Sunday. By Monday, Anjana was on the ground giving us stellar insights. जो यहाँ पर बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वहाँ पर भारी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेश के आए हुए लोगों हैं। छी छी, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या सारे के सारे। ये आगे के जितना हिस्सा आप देख रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है जनाब, ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इस पूरे इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन जगहों पर कोई उंगली उठा सके। अंजना का सपना जल्द ही साकार होने वाला था। सामान अंदर में पड़ा हुआ है सारा, और इन सब पर ऐतिहासिक तरीके से आप देख रहे हैं बुलडोजर चलता हुआ ये दिख रहा है। ये जहांगीरपुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लाइव आप देख रहे हैं बुलडोजर को चलते हुए। जितना इलीगल एनक्रोचमेंट है सब पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपने कौन सा तोड़ा भैया? जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है भैया? वो क्यों बच गया? अब मस्जिद वाली जगह पर एनक्रोचमेंट को टारगेट करती हुई आपको ये बुलडोजर, ये क्रेन दिखाई देगा। ये देखिए सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं, आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हुआ। दैट वाज अंजना'स ब्रेथलेस कवरेज ऑफ एमसीडीज डिमोलिशन ड्राइव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ऑन वेडनेसडे आफ्टर रायट्स ब्रोक आउट देयर ऑन संडे। The only thing that sounded more excited and more approving of MCD's bulldozer than Anjana was Aaj Tak sticker the same evening. जहां चले थे पत्थर वहां दौड़ा बुलडोजर, जहां दंगे वहां बुलडोजर, गजब टाइमिंग है। दंगे वाली जगह बुलडोजर, संयोग या प्रयोग? जहां पत्थर चले थे वहां बुलडोजर चल गए। दंगे की साइट पर MCD का सफाई अभियान, नो इफ नो बट, फैसला ऑन द स्पॉट। व्हाइल थिंग्स वर जस्ट गेटिंग एक्साइटिंग फॉर आवर न्यूज़ एंकर्स, इंडिया सुप्रीम कोर्ट स्पॉइल्ड द पार्टी एंड इट ऑर्डर्ड एमसीडी टू स्टॉप द डिमोलिशंस। कोई भी डिमोलिशन ड्राइव करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोगों को नोटिस देना और टाइम देना, ताकि वो प्रूव कर सकें कि उनका घर या उनकी दुकान लीगल है और पेपर्स प्रोड्यूस कर सकें। अकॉर्डिंग टू अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज स्टेटेड दैट द एमसीडी हैड नॉट गिवन प्रायर नोटिस। आइडियली This is something that journalists should have asked authorities right when the first bulldozer moved. लेकिन घोर कलयुग का जमाना है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। त्रिवेदी भी नहीं बचेगा, सबका बदला लेगा बुलडोजर। जस्ट वॉच। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कुछ और फोड़ हो रहा है हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है। यहाँ से अब चले चलते हैं। Poor people whose houses are being demolished had to remind anchors of procedure and law and order. Now, you really have to be naive or downright dishonest to tell your viewers that the actions of the Municipal Corporation of Demolition were simply about illegal encroachments. Because if it were, they would have followed the correct legal procedure of giving notices. Law and order ka ek system hota hai. Pehle suspects pakde jate hain, phir proof ikhatta kiya jata hai, phir court mein proof kiya jata hai aur phir saza milti hai. यहाँ उस पूरे प्रोसीजर को बुलडोज करके जो सामने आए उसको पनिशमेंट दे दी गई।
The Delhi Municipal Corporation Act 1957 states that the civic body needs to give at least 5 days notice to a person who has carried out the alleged illegal construction. During this time, the person can be asked to make alterations, failing which, the corporation has the power to demolish or seal the unauthorized structure. ये सामान जो तोड़ा जो नुकसान का हमारे लिए लाखों का है सरकार जाले के में बना अब मेरा रोज का खरीद यही देख यही बेच के ये इसी से खरीदते थे हम ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी 1977 में अलॉटमेंट हुई थी पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था अब तक रह रहे हैं जो भी आता था देखता था कागज की हाँ जी कागज दिखाते थे आज जो आया डोमिनेशन करने मैं कह भी रहा हूँ कि पहले कागज देखिए अगर अवैध है तो थोड़ी हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए व्हाइल सच सीन्स वर प्लेइंग आउट नविका वाज फुल ऑफ ग्ली ड्रामेटिक इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुलडोजर्स Are we increasing domestic capacity for manufacturing? Or will we have to depend on imports? Hashtag just asking. On her prime time, she gave us stellar insights. Is khabar par filmkar Vivek Ranjan Agnihotri ne the Kashmir Files ka dialogue tweet kiya. Wah! विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म का डायलॉग ट्वीट करा ये इतना इम्पोर्टेंट डिटेल पूरे दिन में हमें पता नहीं चला थैंक यू नविका इस देश में कानून की रिस्पेक्ट और कानून को उछालने का काम रोज हो रहा है कोई गोली निकाल के चला देता है कोई सड़कों पे बैठ जाता है कोई शाहीन बाग में ट्रैफिक नहीं निकलने देता पूरे 40-40 दिन तक यस अकॉर्डिंग टू आवर टावरिंग न्यूज पर्सनालिटीज गोली चलाना इज इक्वल टू फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड शाहीन बाग प्रोटेस्ट How to criminalize constitutional right to protest? Learn from Navika. ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है बुलडोजर से लोगों को कानून समझाया जा रहा है लोग समझ रहे हैं और मैंडेट मिल रहा है मैंडेट मिल रहा है वोट मिल तो रहा है बुलडोजर से क्या बुराई है बुलडोजर में With unofficial spokesperson like this, you can't expect much from the official spokesperson. जनता पूछ रही है कि अब क्यों निकला बुलडोजर पहले क्यों नहीं निकला था बुलडोजर देखिए नाविका जी लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है लोगों को अच्छा लग रहा है कौन लोग ये लोग बुलडोजर अपने आप में गैर कानूनी नहीं होते इसलिए बुलडोजर अगर गैर कानूनी इमारतों पर चले हैं तो चले हैं जेसीबी बुरे नहीं होते हालात बुरे होते हैं इस सब में ये मत भूलना बुलडोजर चले तो चले हाँ अगर किसी को लगता है कि कानूनी तौर पर कराए गए निर्माण को गिराया गया है तो वो बेशक अथॉरिटीज को सरकार को और व्यवस्था को घेरे लेकिन उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लेकिन इसके लिए कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे ये नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि अवैध निर्माण हो या अवैध घुसपैठ कागज के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती What is she even talking about? She's actually reading that off a teleprompter. मतलब किसी ने ये सब लिखा, फिर किसी ने पढ़ा, फिर किसी ने एडिट किया होगा, फिर नविका ने इसे पढ़ा और टेलीप्रॉम्प्टर पे डाल दिया और सोचा चलो इसको टीवी पे बोल देती हूँ. Complete mind blown. Navika of course didn't spend any time on the procedures and legalities that need to be followed to remove illegal shanties in poor slums, or that extra parking space encroaching on posh lands and posh colonies. Usual suspects on prime time told us ki dekho, sirf Muslim hi nahi, Hinduon ke bhi to ghar tode hain. As if that's something to gloat about. Saxena ji, Gupta ji, Jha ji, jinki dukane giri hain, ghar gire hain, ye bhi Musalman hain. Hinduon ki dukane aur makan bhi gire hain, Musalmanon ke bhi gire hain. Bulldozer sabse pehle Raman Jha naam ki vyakti ki dukan par chala. Phir Gupta ji ke juice corner ka number aaya. बुलडोजर सुमित सक्सेना की दुकान पर भी चला वही कह रहा हूँ कि बराबर से बुलडोजर चला कोई भेदभाव नहीं हुआ किसी के साथ क्योंकि शाम को डिबेट में यही सवाल होगा दूसरे पक्ष के लोग एक पक्ष के लोग यही सवाल उठा रहे हो बराबर कहाँ हुआ उधर मस्जिद में मस्जिद का हर कोई छज्जा बज्जा नहीं तो ये दिनेश की दुकान भी लेगे थोड़ा बहुत दिनेश की दुकान मंदिर में दिनेश की दुकान भी इसी में आती है एमसीडी का बुलडोजर चला है तो उसने ना हिंदू देखा है ना मुसलमान उसने ये नहीं देखा कि ये ठेला ये ठेला झाजी का है या जाफर का यह अतिक्रमण सोनू ने किया है या सैफ ने पहला बुलडोजर रमन झा नाम के उस व्यक्ति पर चला है जिसकी यहाँ पर पान की दुकान थी इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस
धर्म न पूछो बुलडोजर का. There is a juice shop which is owned by a Hindu. There is a Gupta juice shop which has been taken down. अच्छा आप ये कह रहे हैं कि religion देखकर discount दिया जाए इस देश में? नहीं नहीं मौलाना फारूकी साहब. नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप उसे ये कह रहे हैं कि religion देकर discount दिया जाए. The riots that took place on Sunday had two parties. Party number one, a rally organized by Hindutva organization VHP that did not have police permission. This rally had people flaunting swords and weapons. The idea was to provoke a reaction. Party number two, local Muslim strongmen and their followers in the neighborhood like Yunus Urf Sonu, who took law in his hand and fired upon policemen and indulged in stone pelting. वीएचपी के ऑफिस पे बुलडोजर चलाना तो दूर, वीएचपी ने धमकी दी है सीधा दिल्ली पुलिस को कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो अच्छा नहीं होगा. वीएचपी के लोग मीनवाइल स्पोक्सपर्सन बनके आते हैं प्राइम टाइम में. और पार्टी नंबर टू का क्या, वो तो सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं. प्राइम अक्यूज्ड हु आर मुस्लिम्स हैव एनएसए स्लैप्ड ऑन देम फॉर कॉन्स्पिरेसी. मतलब एक थे ओसामा, अब दूसरे सीधा जहांगीरपुरी के सोनू. वीएचपी दैट स्टार्टेड द शोभा यात्रा विदाउट परमिशन मीनवाइल गेट्स प्राइम टाइम स्पेस. बाकी क्या है, हिंदू तो खतरे में है ही. यानी हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज के अंदर. वर हिंदू टारगेटेड? पहला पैटर्न यह है कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, शोभा यात्राओं पर पत्थर चल रहे हैं. हिंदू तीन हिंदू त्योहारों पर पथराव होता है और इस तरह के दंगे होते हैं, हिंसा होती है. तो क्या हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी फिक्स है? होगी ही होगी. क्या हिंदुओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में कोई भी त्योहार मनाने की हिम्मत ना करें? ये भारत देश में क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं हम? हिंदुओं का इतना उत्पीड़न, और तो और हिंदू अब घर में बैठकर सुकून से दाल सब्जी भी नहीं खा सकता. होलसेल इन्फ्लेशन हैज गॉन अप टू 14.55%, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन कमोडिटीज लाइक दाल एंड सब्जी. एलपीजी सिलेंडर, खाने का तेल, यहाँ तक कि अब तो कुछ दिनों के बाद हिंदुओं का आटा खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा इस देश में. व्हीट प्राइसेस हैव शॉट अप, एक्सपर्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट देयर माइट बी अ क्राइसिस इन 4 to 5 months. और जॉब्स, एक तरफ हिंदू महंगाई से जूझे और दूसरी तरफ बेरोजगारी से. इंडियाज लेबर फोर्स हैज श्रंक बाय 3.8 मिलियन इन मार्च, दिस इज द लोएस्ट इन 8 months. एक और है, बिहार गेट्स इट्स ओन चाय वाली एज एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड इज सेलिंग चाय. एक और है, ओडिशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज गॉन अप टू 9.7%, देयर हैव बीन हाई जॉब लॉसेस इन की सेक्टर्स. बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि कोरोना भी अब हिंदुओं को धमकी दे रहा है वापस आने की. उन्हीं के देश में उन्हीं को धमकी, क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? India's weekly COVID cases are up by 35%. This is the first rise since January. Power cuts कह रहे हैं IPL देखना छोड़ दो. नींबू के दाम कह रहे हैं शिकंजी पीना छोड़ दो. पेट्रोल कह रहा है कि गाड़ी चलाना छोड़ दो. अब प्रोटेस्टिंग ऑटो वाले कह रहे हैं कि बाहर निकलना ही छोड़ दो. एक दिन आएगा जब वो कहेंगे भारत ही छोड़ दो. और हिंदू जाए तो जाए कहाँ, पाकिस्तान? डबल डिजिट्स इन्फ्लेशन, द लाइक्स ऑफ विच वी लास्ट सॉ ओनली इन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991. रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लूमिंग व्हीट एंड कोल क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड फ्यूल फ्रेंजी एंड द रिटर्न ऑफ द वायरस. ऑल दीज इशूज आर एज मच हिंदू इशूज एज दे आर मुस्लिम, सिख और क्रिश्चन इशूज दैट इंडियंस आर डीलिंग विद. महंगाई और बेरोजगारी आपका मजहब पूछकर नहीं आती, पर ये बात आपको हमारे एंकर्स क्यों बताएंगे? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप सवाल पूछने लगेंगे, और गवर्नमेंट से सवाल पूछना तो उनकी प्लेबुक में है ही नहीं. द बिग हेडलाइन दैट स्टूड आउट फॉर मी दिस वीक वॉज दैट दिल्लीज अर्बन पुअर, अ लॉट ऑफ होम लिव इन लोकैलिटीज लाइक जहांगीरपुरी, कंटिन्यू टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट एज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस. रायट्स और डिमोलिशन में सबसे ज्यादा इन्हीं अर्बन पुअर का नुकसान हुआ है. किसने रैली निकाली, किसने पहला पत्थर फेंका, किसने कैसा गाना चलाया, किसने बंदूक तानी, 3 हफ्ते से हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे आर्ग्यू कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे डिवाइडेड हैं. अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना कल्चर छोड़ गए. दैट्स ऑल द न्यूसेंस वी हैव फॉर यू टुडे. एक्चुअली नो, वी हैव मोर न्यूसेंस फॉर यू दिस वीक. सख्त हो
चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है और युद्ध लगातार और लगातार जारी है। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम जो है वो ब्लैक सी की ओर आगे बढ़ रही है। रिपब्लिक भारत पर आप ये सबसे पहली तस्वीरें देख रहे हैं। सांस ले ले यार। That is our Bharat's idea of covering war where children have died, families have been uprooted, homes have been destroyed. There's utter devastation in Ukraine. And then Republic Bharat walks in thinking, इस वॉर और डेविस्टेशन को कैसे हम टीआरपी के लिए और यूज कर सकते हैं, कैसे अपने व्यूअर्स का और लोगों का मजाक उड़ा सकते हैं एट अ ग्लोबल स्केल। यार नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू डू एंटरटेनमेंट जस्ट गो द फुल हॉग। ये आधा न्यूज आधा एंटरटेनमेंट कुछ जमा नहीं, पूरा एंटरटेनमेंट दो। वी हैव सम डांस टिप्स फॉर यू। I'm here in Ukraine. Russia has invaded Ukraine. There is a war going on outside. I can hear shelling and bombs. Dude, what are you doing? War reporting ऐसे थोड़ा करते हैं। Put your right leg ahead. Now your hands like this. Ukraine has been invaded by Russia. There's war. There's bombs going. गिर गया बॉम्ब, गिर गया बॉम्ब, गिर गया बॉम्ब। I'm here in Kyiv. I have heard bombing all night. Schools have been bombed. People are dying. Children are dying. What are you doing? That's not how you do war reporting. Drop down. Russians ne maar dala. Maar dala. Russians ne maar dala. Bachche bhi mar gaye. Maar dala. Sab mar rahe hain. Very dark. Very dark. If you don't want news to dance to advertisers' tunes, you have to pay to keep this stream. Because when the public pays, the public is served. And when advertisers pay, you get dancing news anchors and reporters. But when the public pays, you see the kind of reports our reporters get you from the ground. So you pay and you're served. And if you don't pay then... Phir nachwa rahe ho. Now, you all have heard news channels telling us about so-called Rohingyas and Bangladeshis in Jahangirpuri who were behind a so-called conspiracy. Do watch News Laundry's ground report by Akanksha Kumar from that area that looks into this question and what people feel about the media narrative about them. सारे मिलके हम कल काली माता की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, पूरे हमारी मेरी उम्र अभी 31 है। मैं 31 की हूँ, मेरे बचपन बीत गया, वहाँ पे कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई है, कभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं बचपन से उनको 31 साल की उम्र बचपन से जब उनको देख ही रही हूँ तो मैं कैसे मानूँ वो बांग्लादेशी है, किस तरीके से उनको मैं मानूँ कि बांग्लादेशी है। यू कैन चेक दैट आउट ऑन newslaundry.com। यू कैन चेक द वीडियो रिपोर्ट आउट ऑन यूट्यूब। डू रिमेम्बर दैट रिपोर्ट्स लाइक दिस कॉस्ट टाइम, एफर्ट and resources. News Laundry is completely ad-free. We don't depend on any advertisers, corporate or governments to get our ground reporting or to get you shows like Nuisance. So if you like what we do, if you like our effort, please subscribe to newslaundry.com. So please log on to newslaundry.com, subscribe to us, pay to keep news free, check out our ground reports, original ground reports from Jahangirpuri, and check out our podcasts, interviews, and other shows. Remember that all of this is completely ad-free. We totally depend and solely depend on your subscriptions. So please, please, please support us. That is actually all the nuisance we have. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, like this YouTube video, share it with your friends and family, comment under it and tell us what you liked, what you didn't like. Leave your feedback, leave your suggestions. We go through all the comments. Please keep the comments civil. Don't use abusive language against journalists, especially women journalists. Keep your criticism civil. अगर आपको किसी journalist को criticize करना है तो आप abuses के बिना उनको करें और अपने media के बारे में बातें करें, लेकिन civilly बात करें without abusive comments. All abusive comments shall be deleted. So please be wary of that. Keep it civil and keep it fun.